हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यू एज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। ढेर सारी बातें करनी है आज आपसे। इंडिया का हेड कोच भी डिसाइड हो चुका है और बीसीसीआई ने अपनी डिटेल भी दे दी है कि वो जो 125 करोड़ टीम को दे रहे हैं तो किसको कितने पैसे मिलेंगे। और अभी अभी इंडिया और जिम्बाब्वे का तीसरा मैच भी खत्म हुआ है, तो ढेर सारी बातें हैं करने के लिए आपके साथ। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले हेड कोच से। भाई आप सब लोगों को पता चल ही चुका होगा अभी तक कि गौतम गंभीर को जो है इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है। इंडिया की जो श्रीलंका के साथ सीरीज है, इंडिया की टीम श्रीलंका जाएगी, वहां पर गंभीर जो है हेड कोच बनकर जाएंगे। वहां पे इंडिया की मेन टीम ही जाएगी मैचेस खेलने के लिए, तो गंभीर जो है वहां पे हेड कोच होंगे। उन्हें चार जो मेजर आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए हेड कोच बनाया गया है। पहला कौन सा टूर्नामेंट है दोस्तों? पहला होने वाला है अपना चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में है 2025 में। हालांकि अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि टीम इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, चांसेस कम है, बट अभी के लिए तो ये है कि उन्हें जो है उसके लिए भी कोच बना दिया गया है। 2026 में है फिर से T20 का वर्ल्ड कप, तो उसके लिए भी जो है उनको हेड कोच बनाया गया है। और साथ में दोस्तों आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप चलती ही रहती है, उसके लिए भी वो हेड कोच हैं। इंडिया दो बार फाइनल में पहुंच चुकी है पर दोनों बार हारी है। इस बार देखते हैं क्या हाल होता है इंडिया का। और 2027 में है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो ओडीआई वर्ल्ड कप तक जो है वहां तक के लिए इंडिया को, इंडिया की जो सीनियर्स टीम है उसके लिए उनको हेड कोच बनाया गया है। तो ये तो हुई दोस्तों गौतम गंभीर की बात। हाँ एक बात और, अब आप लोग कह सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि क्यों रिटायरमेंट हुई है सीनियर प्लेयर्स की। वो इसी वजह से हुई है क्योंकि बीसीसीआई ने सोच लिया था कि गौतम गंभीर को ही उन्होंने हेड कोच लेना है। और गौतम गंभीर ने सबसे पहले ये शर्त रखी थी कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं दे शुड बी आउट ऑफ T20। तो रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो या फिर अपने विराट कोहली हैं, उन्होंने कप जीतते ही जो है रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दी थी। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है कि 125 करोड़ रुपये बीसीसीआई कैसे बांटेगी। तो दोस्तों जो 15 प्लेयर्स थे इंडिया टीम में उन सबको मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए, और जो मेन कोच थे यानी कि राहुल द्रविड़ उनको भी 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके अलावा जो कोचिंग स्टाफ बाकी का था दोस्तों उनको 2-2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बैक ऑफिस के जो स्टाफ हैं दोस्तों, जैसे रघु हैं जो बॉलिंग करवाते हैं उनको, या और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, दो चार लोग और हैं, उनको मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। और इसके अलावा दोस्तों जो पांच अपने जो रिजर्व में प्लेयर्स थे, शुभमन गिल वगैरह, रिंकू सिंह वगैरह, उनको जो है 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ये है दोस्तों उस पूरे 125 करोड़ का ब्रेकअप। अब बात करते हैं आज के इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच की। भाई आज का मैच वैसे तो देखा जाए तो काफी शानदार रहा, इंडिया ने आराम से मैच जीत लिया। लेकिन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, हालांकि आप कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी ऐसा नहीं लगा मैच देखते हुए कि जिम्बाब्वे जो है वो इंडिया को चेस कर सकती है, इंडिया के टारगेट को, लेकिन जिस हिसाब से इंडियन बॉलर्स की पिटाई ही उसको देख के लग रहा था कि शायद 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 जो है जिम्बाब्वे चेस कर जाए। बट जिम्बाब्वे की खुद की गलतियां थी जिसकी वजह से कि वो टारगेट चेस नहीं कर पाई। हालांकि 23 रन से जो है जिम्बाब्वे हारी है। तो आपको बताता हूँ पूरे मैच का हाल। भाई इंडिया ने पहले बैटिंग करते पहले तो टॉस जीता शुभमन गिल ने और उन्होंने बैटिंग जो है वो ली। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे ही इंडिया के प्लेयर्स चले, अपना यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जो है दोनों ही वर्ल्ड कप से सीधा यहाँ पर आए, संजू सैमसंग भी, तीनों जो वर्ल्ड कप के थे उन तीनों ने सीधा आके टीम में एंट्री ली। यशस्वी जायसवाल ने ओपन किया अपने शुभमन गिल के साथ, 27 बॉलों में उन्होंने 36 रन मारे। 4.1 ओवरों में यानी कि मात्र 25 बॉलों में जो है इंडिया ने 50 रन ठोक दिए थे भैया। बहुत ही तेज शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर ना शुभमन गिल बहुत ही स्लो हो गए। इतना स्लो हो गए कि 8 ओवर में, जहां तक मेरा आइडिया है, 8 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो हैं 80 रन के, नहीं माफ कीजिएगा, 66 रन बने थे दोस्तों। यानी कि 4.1 ओवर में आपके 50 रन और 8 ओवर में सिर्फ 66 रन, मतलब सिर्फ 16 रन बने आपके 23 बॉलों में, जिसकी वजह से कि यशस्वी जायसवाल को अननेसेसरी प्रेशर लेना पड़ा। और उन्होंने 8.1 ओवर में, सिकंदर रजा बॉलिंग कर रहे थे, उनकी पहली बॉल पे रिवर्स फ्लिक या रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। वो प्योर प्योर प्रेशर ही था अपने रन रेट को जो है बढ़ाकर रखने का। उसके बाद दोस्तों आए अभिषेक शर्मा, वो हालांकि बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, उन्होंने 9 बॉलों में 10 रन मारे और वो आउट हो गए।
वही एक ऐसे प्लेयर थे इस मैच में कह सकते हैं इंडिया टीम की तरफ से, जो कि कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि आगे जाकर जो है वो शुभमन गिल ने जो है हाफ सेंचुरी पूरी की और ऋतुराज गायकवाड़ आए थे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद। इन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी दोस्तों, और ये अब इंडिया का स्कोर जो है काफ़ी आगे तक लेके गए थे। शुभमन गिल ने जो है 66 रन की पारी खेली 48 बॉल्स में, और ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन की पारी खेली 27 बॉल्स में। बहुत ही अच्छी पारी रही दोस्तों, दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला। हालांकि उसके बाद आके जो है अपना संजू सैमसंग ने भी तकरीबन 12-13 रन मारे, और रिंकू सिंह को एक ही बॉल मिली थी खेलने के लिए, तो जिसमें उन्होंने एक सिंगल मारा था। संजू सैमसंग ने 7 बॉलों में 12 रन मारे। टोटल इंडिया ने जो है 8 छक्के मारे दोस्तों। जो पार्टनरशिप हुई थी अपनी ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के बीच में, वो थी दोस्तों तकरीबन 72 रन की, और ये आई थी सिर्फ और सिर्फ 7.2 ओवर्स में, यानी कि 44 बॉलों में उन्होंने जो है तकरीबन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 72 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की थी। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों नोटिसेबल बात जो है, दो बॉलर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिम्बाब्वे की तरफ से। एक थे सिकंदर रजा और दूसरे थे अपने मुजरवानी। मुजरवानी ने शुरू के 2 ओवरों में सिर्फ 9 ही रन दिए थे, और सिकंदर रजा ने भी अपने 3 ओवर में सिर्फ 10 ही रन दिए थे और 2 विकेट ली थी। लेकिन मुजरवानी के भी आखिरी के 2 ओवरों में दोस्तों जो है, हालांकि बहुत ज़्यादा रन तो नहीं दिए उन्होंने आखिरी के ओवर में, तीसरे ओवर में उन्होंने, माफ कीजिएगा, सिर्फ 6 रन दिए, जिसमें से कि एक लेग बाई का रन था, और उन्होंने उसमें शुभमन गिल की विकेट भी ली, उन्हें जो है कैच आउट कराया। और अगले ओवर में जो कि पारी का 20वां ओवर था, उसमें हालांकि उन्होंने 11 रन खाए, लेकिन उस ओवर में उनको ऋतुराज की विकेट मिली। वो भी अगर लास्ट बॉल पे संजू सैमसन ने चौका मार दिया था, अगर वो चौका नहीं लगता तो 7 या 8 रन ही बनते उस ओवर में, और इंडिया का जो 182 रन का जो स्कोर था वो 178 या 179 ही रह जाता। तो दोस्तों, एक तो मुजरबानी की बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं उन्होंने। वहीं पे दोस्तों सिकंदर रजा ने जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 ओवर में 10 रन देके 2 विकेटें ली थी। हालांकि आखिरी ओवर जो है उनका वो पिट गया, उसमें उन्होंने 18 रन दिए। हालांकि उनके उस ओवर की 5वीं बॉल पर जो है वो ऋतुराज का कैच छूटा था, जब ऋतुराज 33 रन पे थे वो उनका कैच छूटा। उसके बाद 33 से 49, मतलब 16 रन एक्स्ट्रा उन्होंने बनाए ऋतुराज ने, जिसकी वजह से कि मतलब ये समझ लीजिए उनके आखिरी ओवर में, जैसे मैंने आपको बताया, 18 रन गए दोस्तों। तो 4 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए, और मुजरबानी ने 4 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेटें ली। यही दोनों बॉलर हैं दोस्तों जिन्होंने की विकेटें ली हैं, दो मुजरबानी ने और दो सिकंदर रजा ने। बाकी उनके जितने भी प्लेयर थे दोस्तों, जितने भी बॉलर थे, वो मोस्टली पिटे। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि ओपन ही कराया उन्होंने ब्रायन बेनेट से, जिन्होंने कि, मैं आपको ये बताना भूल गया था, यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे थे भैया। पहले तो उन्होंने चौका खाया अपनी बॉल पे, फिर उसके बाद उन्होंने एज अ स्पिनर नो बॉल की, जो कि एब्सोल्युटली क्राइम है एक स्पिनर के लिए। उन्होंने नो बॉल की, और उसके बाद जो फ्री हिट की बॉल थी उस पर उन्होंने छक्का खा लिया। तो पहले ओवर से ही इंडिया को मोमेंटम मिल गया था। 1 ओवर में 15 रन खाए ब्रायन बेनेट ने, उसके बाद उन्हें ओवर बॉलिंग नहीं दी गई। उसी मोमेंटम की वजह से इंडिया के जो है 4.1 ओवर में 50 रन बने थे। नवागरा थे दोस्तों, उन्होंने 4 ओवर में 39 रन जो है वो खाए। तंत्या चात्रा ने 3 ओवर में 30 रन खाए। मस्कत आजा ने जो है 3 ओवर में 25 रन, और मदेवीरा ने एक ही ओवर किया उसमें 19 रन खाए। इस ओवर में दोस्तों, मदेवीरा का ओवर था उसमें 19 रन पड़े उनको, जिसमें कि 2 छक्के शामिल थे। मदेवीरा का आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि पिछला जो था अपना, कौन थे, माफ कीजिएगा, हाँ, डियॉन मैट्स का जो पिछले मैच था ना, वो दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए थे। सेम ऐसा जो है इस बार दोस्तों मदेवीरा का था, वो दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए और 1 ओवर उन्होंने किया और उसमें 19 रन खाए। वैसे दोस्तों क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। पिछली बार जो है अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 100 रन मारे थे, इस बार 10 रन पर ही आउट हो गए। पिछला मैच जो मदेवीरा उसका, माफ कीजिएगा, जो डियॉन मेयर्स का था, वो बहुत बुरा गया था। 1 ओवर उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने 28 रन खाए थे और दूसरी बॉल पे वो आउट हो गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने जिम्बाब्वे की पारी को ना सिर्फ संभाला, बल्कि एक बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो जिम्बाब्वे को जीत के काफी करीब लेकर जा सकते हैं। उन्होंने
49 बॉलों में 65 रन बनाए और अंत तक नट आउट रहे। तो इसलिए दोस्तों क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, ये मैं जरूर कहूंगा। जिम्बाब्वे के साथ प्रॉब्लम ये रही दोस्तों कि जब 182 रन का आप टारगेट चेस करते हैं और आपके शुरू के 7 ओवर में ही 5 विकेटें गिर जाए, वो भी 39 रन पर, तो उसके बाद आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है वो टारगेट चेस करना। भाई मधे, जैसे मैंने आपको बताया, मधेवीरा आए, वो दूसरी बॉल पे आउट हो गए। मुरुमानी को नया लिया था उन्होंने, 10 बॉलों में 13 रन बनाए, वो जल्दी आउट हो गए। ब्रायन बेनेट का भी अच्छा दिन नहीं रहा, 5 बॉलों में 4 रन बनाए, वो आउट हो गए। डियॉन मेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने 45 बॉलों में 50 रन अपने पूरे किए थे और उसके बाद आखिरी के 2 ओवर में उन्होंने अच्छी खासी पिटाई करी, तो टोटल उन्होंने 49 बॉल में 65 रन बनाए दोस्तों। सिकंदर रजा भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए, 15 रन बनाए उन्होंने 16 बॉलों में। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने एक ही ओवर में 2 विकेटें ली थी, एक सिकंदर रजा की और दूसरा जोनाथन कैंपबेल की, एक ही ओवर में। वो जो झटका था ना दोस्तों, 39 से 3 पे थे और 39 पे 5 हो गए थे 7वें ओवर में, वहां से जिम्बाब्वे ऑलमोस्ट उभर नहीं पाई, इतना नहीं उभर पाई कि वो मैच जीत सके। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि माफ कीजिएगा, डियॉन मेयर्स और क्लाइव मेड नेडे ने जो है वो इनकी अच्छी काफ़ी अच्छी जो है पारी खींचने की कोशिश करी। इन दोनों के बीच लगभग लगभग 82 रन की जो है पार्टनरशिप हुई, माफ़ कीजिएगा 77 रन की पार्टनरशिप हुई, और वो भी कितने, सिर्फ 47 बॉलों में। बहुत अच्छा खेला दोस्तों, जब ये दोनों स्ट्राइक मतलब क्रीज पे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी क्लोज लेकर जा सकते हैं मैच को, और एक टाइम ऐसा आ गया था दोस्तों कि आखिरी के हालांकि 3 ओवरों में 61 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जीत सकते हैं, शायद जीत सकते हैं अगर ये अच्छे रफ्तार से खेलें तो। और आखिरी के तो दोस्तों 2 ओवर में, हालांकि जो 18वां ओवर था आवेश खान का, उन्होंने सिर्फ 3 या 4 रन दिए इस ओवर में, जिसकी वजह से कि आखिरी के 2 ओवर में 58 रन चाहिए थे, विच इज एन इम्पॉसिबल टास्क ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी दोस्तों आखिरी के जो 2 ओवर थे वो, उसमें इंडियन बॉलर्स इतना पिटे कि उन्होंने 2 ओवरों में आखिरी के 34 रन दिए। अगर गलती से मान लीजिए 2 ओवर में 34 या 36 रन ही चाहिए होते थे तो इंडिया ये मैच हार भी सकता था, बट क्योंकि इंडिया ने स्कोर इतना ज़्यादा कर दिया था और जिम्बाब्वे ने भी अपनी गलती से 39/5 हो गए थे, उसकी वजह से इंडिया आज का जो है वो मैच जीत गई, 23 रन से जीती है। काफ़ी संभल कर खेलना पड़ेगा दोस्तों आगे टीम इंडिया को जो है, अदरवाइज इस तरीके की परफॉर्मेंस से मैच जीतना जो है बहुत मुश्किल है, स्पेशली बॉलिंग में। एक और जो प्रॉब्लम थी दोस्तों इंडिया की बॉलिंग में आज, वो ये था कि इंडिया के पास आज फिफ्थ बॉलर नहीं था, उनको अभिषेक शर्मा के साथ और शिवम दुबे के साथ वो 5वां बॉलर जो है पूरा करना था, और जिम्बाब्वे ने 5 विकेटें गिरने के बावजूद भी इन दोनों बॉलर्स का भरपूर फायदा उठाया। जहां अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर में 23 रन दिए, वहीं अपने शिवम दुबे ने 2 ओवर में 27 रन दिए, तो इनके 4 ओवर में 50 रन पड़े हैं दोस्तों, वो भी तब जबकि 5 विकेटें जिम्बाब्वे की गिर चुकी थी। तो यहाँ पे दोनों को ही दोस्तों जो है बॉलिंग टाइट करनी पड़ेगी। अभिषेक शर्मा के जो मेंटर हैं युवराज सिंह, वो अपने टाइम के बहुत अच्छे जो हैं वो ऑलराउंडर रह चुके हैं, उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया को अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से जिताया था। अभिषेक शर्मा की बैटिंग तो ठीक है, लेकिन उन्हें बॉलिंग जो है वो युवराज सिंह से अभी और सीखनी पड़ेगी, या किसी और एक अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट स्पिन बॉलर से सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज उनकी बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग है। इस बॉलिंग से वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो विकेट नहीं निकाल सकते हैं, तो बॉलिंग में इम्प्रूव करना पड़ेगा अभिषेक शर्मा जी आपको, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। और सेम एज ए ही शिवम दुबे को भी अपनी बॉलिंग जो है टाइट करनी पड़ेगी, 2 ओवरों में आप 27 रन नहीं खा सकते हो यार। अगर जिम्बाब्वे के 5 विकेटें नहीं गिरी होती ना, तो इंडिया जो है ये मैच हार भी सकती थी, बहुत क्लोज मैच हो सकता था। हालांकि जब 2 ओवर में जो है 58 रन चाहिए थे सिर्फ, तो तब जो है आप कह सकते हैं कि मैच ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुका होता है। 2 ओवर में 58 रन कभी भी नहीं लगते हैं यार, आपको 10 छक्के चाहिए मैच को जो है वो जीतने के लिए, 12 बॉलों में 10 छक्के नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ये जो है सबसे बड़ी कमी है, अगर यही टीम आगे खेलती है तो इंडिया के लिए मुसीबत हो सकती है जिम्बाब्वे के खिलाफ ही। वैसे चौथा मैच है दोस्तों सैटरडे को, और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आता हूँ, क्या जय शाह जो है सैटरडे को भी अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे? क्या वो सैटरडे ऐसा होगा कि टीम इंडिया फिर से हारेगी, ताकि ये सीरीज जो है वो लेवल हो सके और 5वां मैच जो डेड रबर हो सकता है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके?
भाई अब इसका जो है वो जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या जय शाह की नई स्क्रिप्ट तैयार होगी सैटरडे को, ताकि एक तो इस सीरीज़ को डेड रबड़ होने से बचाया जा सके और साथ में संडे का मैच फिर से इंटरेस्टिंग हो और लोग वो मैच जो है वो ध्यान से गौर से देखें कि इंडिया ये मैच जो सीरीज़ है वो जीतती है या नहीं जीतती है। भाई मेरा तो ऐसा मानना है कि मैच इंटरेस्टिंग होगा, इंडिया जो है शायद ये हो सकता है मैच हारे जो सैटरडे का आने वाला मैच है। भाई तभी तो इंटरेस्टिंग सीरीज बनेगी, जो संडे को मैच होने वाला है तभी तो लोग देखने आएंगे, तभी तो व्यूवरशिप बढ़ेगी, तभी तो पैसा आएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही फिर मिलूंगा आपसे, सैटरडे को फिर वीडियो लेके आऊंगा आपके पास और भी ढेर सारी बातें करूंगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने आज का मैच देखा है आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया, भाई रवि बिश्नोई की कैच बहुत अच्छी थी जो उन्होंने ली थी, आई थिंक उस वक्त हाँ ब्रायन बेनेट को जो आउट किया था वो बहुत बहुत ही बेहतरीन कैच थी दोस्तों रवि बिश्नोई की, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, अभी पॉइंट याद आया तो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों आई एम साइनिंग ऑफ, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।